बदायूं के सीजीएम कोर्ट में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दायर हुआ है। यह परिवाद राहुल के उस संबोधन के खिलाफ दायर हुआ है जिसमें उन्होंने आतंकी मसूद अजहर को जी कहकर संबोधित किया था। मामला ये है कि राहुल गांधी जी ने अभी नई दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा था कि कंधार विमान वाला जो मसूद अजहर को छोड़ा गया था उस समय का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था मसूद अजहर जी, तो एक ऐसे व्यक्ति के लिए सम्मानजनक शब्द का इस्तेमाल करना जिसने पुलवामा में हमारे 40 शहीदों जवानों को शहीद कर दिया और ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने हमारी कई माताएं बहनों को विधवा कर दिया, कितने बच्चे उस मसूद अजहर जिसके यतीम कर दिए, ऐसे व्यक्ति के लिए सम्मानजनक शब्द का इस्तेमाल वो भी हमारे देश के अंदर, ये बहुत ही पीड़ादायक और बहुत ही असहनीय है। इसीलिए हमने राहुल गांधी जी के खिलाफ परिवाद दायर किया है सीजीएम कोर्ट में और उसकी 23 तारीख अब लगी है और 23 तारीख को जो है आगे की कार्रवाई होगी। राहुल गांधी द्वारा आतंकी मसूद अजहर को जी कहने का मामला शांति होने का नाम नहीं ले रहा। बदायूं के सीजीएम कोर्ट में इस बात को लेकर वकीलों द्वारा एक परवाद दायर किया गया जिसकी अगली तारीख 23 मार्च पड़ी है। ईटीवी के लिए बदायूं से समीर सक्सेना की रिपोर्ट।